सीएम जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र की 15 दुर्गम पंचायतों की अब तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। इस क्षेत्र को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने वाला पुल अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। पुल की सुविधा न होने के कारण यह दुर्गम क्षेत्र हाईवे के नजदीक होने के बाद भी उससे कोसों दूर था। राज्य सरकार ने हनोगी के पास तरंग और सराज विधानसभा क्षेत्रों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 25 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला डबल लेन केबल स्टेज ब्रिज बनाकर जनता के हवाले कर दिया है। इस पुल के बन जाने से अब सराज विधानसभा क्षेत्र की 15 दुर्गम पंचायतें सीधे नेशनल हाईवे के साथ जुड़ गई है। लोगों ने इसके लिए राज्य सरकार और सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया है। लोगों का कहना है कि जयराम ठाकुर ने अपनी पीठ का बोझ पूरी तरह से उतार दिया है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। हाँ जी, पहले बड़ी दिक्कत थी, ये पुल बना बड़ा भारी अच्छा हो गया बेटा, बहुत अच्छा हुआ। गड्डिया भी चलनी, हरेक चीज सहूलत हो गई ठीक। हूँ ऐसा बड़ा बांका लग गया भाई, पुल बन गया, बहुत अच्छा लग गया। ये तो पहले तो बड़ी दिक्कत थी, पुल हिलना बड़ा भारी दुख था, अब अच्छा हो गया। इस पुल के बनने से जो हमारी पंचायतें जो लाभान्वित होंगी, तो उसमें कम से कम कोई 15 पंचायतों को लाभ होगा, जो खास तौर से जो रिमोटेस्ट जो पोर्शन पार्ट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है वो इससे कनेक्ट होगा। सड़क तो वहाँ पर जुड़ी, लेकिन इसके माध्यम से आने जाने का रास्ता लगभग 50-60 किलोमीटर अलग अलग स्थानों से जो है वो कम पड़ेगा, उसका एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा। और वहाँ पुल के सामने ही एक आगे थोड़ा सा जा करके एक वाटरफॉल है जो 12 महीने चलता है, जो नेशनल हाईवे में जाने वाले आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सबको आकर्षित करता है। लोग नेशनल हाईवे में खड़े होकर के उसका फ़ोटो खींचते हैं। अब हमने वहाँ तक सड़क पहुँचा दी है, और सड़क पहुँचाने के साथ साथ में जब ये नेशनल हाईवे से इस पुल के साथ कनेक्टिविटी वहाँ हो जाएगी, तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी वहाँ जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।